हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो रिक्रूटमेंट की हम बात करने वाले हैं वो सीआईएल की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि कोल इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। माइनिंग, सिरदार और सर्वेयर के पोस्ट पर यहाँ पर वेरियस ब्रांचेज वाइज यहाँ पर पोस्ट की वाइज यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। 10th पास विद आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांचेस से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल है, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। गाइस, इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाले हैं क्या प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन से ब्रांचेज एलिजिबल है, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तब यहाँ पे जो सबसे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का। यहाँ से आप देख सकते हैं एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। इसका जो हेड ऑफिस है मोरवा सिंगरौली यानी एमपी में से यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। वेरियस पोस्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ पोस्टिंग वाइज, तो पोस्ट आपका दो पोस्ट पर यहाँ पर देख सकते हैं। एक माइनिंग सिरदार टीएनएस जो एक जनरल सी वालों के लिए पोस्ट निकाली गई, जो आपका मंथली रेटेड यहाँ पर रहने वाले है वो 31,852 रुपया यहाँ पर मंथ आपको मिलेगी माइनिंग सिरदार वालों को। इसमें वैकेंसीज बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर जीरो रखा गया है। एक बैकलॉग वैकेंसी है, एक टोटल वैकेंसी है इंक्लूडेड बैकलॉग। तो यहीं सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी वाइज देख सकते हैं। जनरल के लिए 24 वैकेंसीज निकाली गई, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6, एससी के लिए यहाँ पर 14 वैकेंसी, एसटी के लिए 35 है और ओबीसी जो एनसीएल में है उनके लिए 9 वैकेंसी, और टोटल बात करें तो 88 वैकेंसी जो निकाली गई यहाँ पर सिर्फ आपका माइनिंग सिरदार के लिए। नेक्स्ट आपका सर्वेयर, सर्वेयर टीएनएस जनरल बी पोस्ट के लिए यहाँ पर माइनिंग के लिए निकाली गई है, जिसमें आपकी सैलरी देख सकते हैं 34,391 रुपया यहाँ पर मंथ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर वैकेंसी बात करें तो जनरल के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई और एसटी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई, यानी टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों और यहाँ पर एसटी और आपका यहाँ पर एससी के लिए और यहाँ ओबीसी वालों के लिए कोई भी वैकेंसीज आउट नहीं की गई। तो गाइस, ये वैकेंसी टेबल एक अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। अब बात करें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस की, तो पोस्ट नाम सबसे पहले माइनिंग सिरदार एंड टेक्निकल जो मैंने बात की टीएनएस ग्रेड सी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे। ये आपका जो पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजरी माइनिंग सिरदार के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन फॉर यानी कि इंक्वायरमेंट यानी 10th पास इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। फिर आपका वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिनेंसी किसी भी इशूड बाय डीजीएमएस यानी कि डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए अंडर कोल माइन रेगुलेशन 2017 या फिर अदर देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच इन टाइटल टू वर्क इन माइनिंग सिरदार एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017, यानी कि अकबर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 2017 का होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं डीजीएमएस द्वारा। नेक्स्ट आपका वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपका होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर आपका वैलिड फर्स्ट एसिड सर्टिफिकेट, ये भी आपका जो वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ये भी आपका होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं है तो दूसरा आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन आपका 10th पास होना चाहिए यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नेक्स्ट आपका डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि साफ बात है अगर आपने डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपका होना चाहिए वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस अंडर कोल माइंस, वही रेगुलेशन लागू होता है 2017 का फॉर एनिंग कोल माइनिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017 का ही होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपका वैलिड गैस टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिर आपका वैलिड फर्स्ट यानी फर्स्ट एड क्रिटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। ये सब का सर्टिफिकेट जनरल बात है गाइस, आपको जहाँ से आपने जो माइनिंग का यहाँ पर सर्टिफिकेट 2017 का प्राप्त किया वो टोटली यहाँ पर मिल जाता है गाइस। नेक्स्ट है पोस्ट जो 2 में बात करें, पोस्ट नेम सर्वेयर इन टेक्निकल सुपरवाइजरी ग्रेड पोस्ट के लिए ग्रेड बी के लिए, तो मैट्रिकुलेशन यहाँ 10th पास होना चाहिए। उसके बाद है आपका सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एसएससी गारंटेड अंडर सीएमआर 2017, सभी 2017 का होना चाहिए, या फिर इसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग, फिर आपका माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, फिर आपका सर्वेइंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एसएससी गारंटेड अंडर सीएमआर 2017 का होना चाहिए, यानी इसमें भी आपने डिप्लोमा किया है सर्वेइंग इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई
कर सकते हैं। यहाँ पर एज क्रिटेरिया की बात करें, जो आपका एज लिमिट है 18 साल से लेकर 30 ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स एंड ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ऑनलाइन फी आपको लगने वाला है गाइस, जो कि जनरल रिजर्व यानी अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपया लगेगा। वहीं पर एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस जो ईएसएम कैटेगरी यानी एक्स सर्विसमैन है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर कैंडिडेट की जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई यहाँ पर फी नहीं रखा गया, बिल्कुल नील है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट जो आपका एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि 90 मिनट्स आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। इसमें से 70 मार्क्स का पार्ट ए होगा, पार्ट ए में सिर्फ आपका टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा यानी अपने टेक्निकल रेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पार्ट बी में आपका 30 मार्क्स होगा, 30 मार्क्स में आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह जीके रीजनिंग होगा, कुछ आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड यानी कि थोड़ा मोड़ा मैथ इसमें हो सकता है। तो गाइज ये बेसिक होगा, मेन पार्ट आपका होगा जो आपका टेक्निकल से रिलेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज। अब इसके ऑनलाइन डेट की बात करूँ तो गाइज यहाँ पर ऑनलाइन डेट 25 फरवरी से इसका ऑनलाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं, 25 फरवरी से ही इसका ऑनलाइन होगा। और जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च तक इसका लास्ट डेट रखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो आई होप गाइज जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन था इस वैकेंसी से रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस का, किस तरह आपको अप्लाई करना, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कौन से लोग एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपको कहीं पर भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा आप रीडअप कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।